वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइंस डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइंस डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। रशिया यूक्रेन जंग में यूक्रेनियन ड्रोन्स ने रशियन टैंक, जिसमें मुख्य रूप से T-90 टैंक शामिल हैं, इन सबका बैंड बजा दिया है। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट का माने तो रशियन टैंक के लॉस का जिम्मा भी यूक्रेन ड्रोन से ज्यादा रशिया द्वारा दिखाई गई जल्दबाजी, खराब टैक्टिक्स, पूर प्लानिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट का बैकअप न होना भी बताया गया है। हालांकि बाद में यूक्रेन द्वारा कई रशियन T-90 टैंक को तबाह करने के बाद रशिया ने जंग की हालात को समझते हुए अपने पुराने और यार्ड में खड़े T-72 टैंक को भी जंग में उतार दिया है। कुछ रिपोर्ट की माने तो रशियन T-72 टैंक यूक्रेन की जंग में पुरानी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी यूक्रेन में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, क्योंकि उनका सामना भी अपने जैसे ही यूक्रेनियन T-72 टैंक के साथ हो रहा है। रशिया के साथ इंडियन आर्मी भी T-72 टैंक का एक बड़ा फ्लीट ऑपरेट करता है। इंडियन आर्मी ने पहला T-72 टैंक 1980 में रशिया से लिया था और उसके बाद करीब 2500 T-72 टैंक का प्रोडक्शन इंडिया ने रशिया की हेल्प से इंडिया में ही करवाया। समय के साथ इंडियन आर्मी ने और एडवांस T-90 और अर्जुन टैंक का इंडक्शन भी इंडियन आर्मी में करवाया है। चूंकि समय के साथ अब ये T-72 टैंक पुराने पड़ गए हैं और इंडिया अब इन T-72 टैंक को और भी एडवांस FRCV फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल से चेंज करवाना चाहती है। लेकिन काफी डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि इंडियन T-72 टैंक पुराने होने के बावजूद काफी रिलायबल है और इसी वजह से इंडियन आर्मी के सीनियर अधिकारी जब इन T-72 टैंक को अपने फ्लीट से रिटायर करेंगे तब इनको कुछ अफ्रीकन देश को सेल किया जा सकता है, क्योंकि मोस्टली अफ्रीकन कंट्री जहां एक मॉडर्न टैंक को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वहीं उनको एक कम मॉडर्न और रिलायबल टैंक कम कीमत में मिल सकता है और अफ्रीकन कंट्रीज में T-72 टैंक काफी डिमांड में भी है। इंडियन आर्मी 2030 से इन T-72 टैंक को अपने फ्लीट से हटाना शुरू करेगा और इसी अपॉर्चुनिटी को कैच करने के लिए इंडिया और रशिया ने मिलकर जो प्लान बनाया है उसके अनुसार इन T-72 टैंक की क्षमता को और बढ़ाया जाएगा तथा इनको बैटल प्रूवन और रिलायबल प्लेटफॉर्म बना के अफ्रीकन कंट्रीज और मिडिल ईस्ट कंट्रीज को बेचेंगे। इन टैंक की क्षमता बढ़ाने के लिए इनकी फायर पावर, प्रोटेक्शन और मोबिलिटी को बढ़ाया जाएगा। इस तरह के इनिशिएटिव से इंडिया जहां एक तरफ पुराने टैंक्स को हटा के नए और पावरफुल फ्यूचरिस्टिक टैंक को इंडक्ट करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ हर साल लगने वाले मेंटेनेंस अमाउंट से भी छुटकारा मिलेगा और साथ ही साथ इन टैंक्स को बेचने से रेवेन्यू का भी फायदा मिलेगा, जो कि नए FRCV टैंक के डेवलपमेंट में ही खर्च किया जा सकेगा। इंडियन एयरफोर्स का इस समय का सबसे बड़ा सरदर्द तेजस Mk1A का इंडक्शन न हो पाना है। HAL टाइम पे इन तेजस को डिलीवर ही नहीं कर पा रही है और इसका सबसे बड़ा रीजन जो HAL के द्वारा दिया जा रहा है वो है जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा F404 इंजन का प्रोडक्शन ना होना। जनरल इलेक्ट्रिक के अनुसार कोविड महामारी के कारण GE कंपनी जिन छोटी कंपनी से इंजन को बनाने के लिए पार्ट्स खरीदती थी, उन सभी कंपनीज ने F404 में लगने वाले पार्ट्स की मांग की कमी और फाइनेंशियल लॉस के कारण मैन्युफैक्चरिंग काफी सीमित कर चुके हैं। अमेरिकन नेवी जब FA-18 हॉर्नेट यूज करती थी तो वह F404 का ही इंजन बाई करते थे, लेकिन जब से अमेरिकन नेवी FA-18 सुपर हॉर्नेट का इंडक्शन किया है तब से और अधिक पावरफुल F414 इंजन का उसमें यूज किया जा रहा है, जिसके कारण F404 का मैन्युफैक्चरिंग ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है। और यही कारण है कि जब से इंडियन एयरफोर्स ने F404 का ऑर्डर दिया है तब से जनरल इलेक्ट्रिक लगातार उस पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को फिर से शुरू करने का प्रयास कर रही है, जिसमें लगातार देरी हो रही है और इसी वजह से जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा इंजन सप्लाई की टाइमलाइन लगातार बढ़ाई जा रही है, क्योंकि पार्ट्स सप्लाई करने वाली कंपनीज भी इंजन डिमांड को देख के धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है। लेकिन बहुत ही जल्द जनरल इलेक्ट्रिक के पास F404 इंजन का यह बड़ा ऑर्डर टर्की की तरफ से आने वाला है, जिसके कारण पार्ट सप्लाई कंपनीज को अपनी सप्लाई बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। टर्की करीब 100 F404 इंजन का ऑर्डर जनरल इलेक्ट्रिक को देने जा रही है, जो कि उसे अपने हरजेट फाइटर जेट के लिए चाहिए। हरजेट टर्की का लाइट वेट क्लास का फाइटर जेट है तथा भविष्य में टर्की हरजेट का एक्सपोर्ट भी दूसरे कंट्रीज को करेगा, जिसका सीधा मतलब है भविष्य में और अधिक F404 इंजन की डिमांड रहेगी। इसके अलावा भी US एयरफोर्स भी अपने नेक्स्ट जनरेशन ट्रेनर एयरक्राफ्ट
T-7A Red Hawk के लिए भी F-404 इंजन का यूज करेगा। इन दोनों केस के अलावा भी साउथ कोरिया अपने T-50 एडवांस जेट ट्रेनर और लाइट फाइटर जेट में F-404 इंजन का यूज करता आया है, जो कि उसने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर साउथ कोरिया में ही प्रोडक्शन करता है। साउथ कोरिया का T-50 कई देशों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि F-404 का इंजन सप्लाई साउथ कोरिया अपने यहाँ ही करता रहता है। इन कई कारणों से जनरल इलेक्ट्रिक को F-404 का इंजन प्रोडक्शन तेज करना पड़ेगा, और यही कारण है कि HL को अब उम्मीद जगी है। जो हिचक जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा दोबारा इंजन सप्लाई के लिए दिखाई जा रही थी, वो अब जल्दी पूरा होगा। हालांकि इससे पहले भी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से 2026 तक फुल पेस में F-404 इंजन की मैन्युफैक्चरिंग का टाइम फिक्स किया गया था, जो अब और जल्दी होने की उम्मीद है। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।